दोस्तों आप देख रहे हैं इसको हम फिर से जो है कमानी को जब कह रहे हैं ज़्यादा दोस्तों निकले, कभी कभी होता है कि ग्लू अचानक से निकल जाता है ज़्यादा और उसको पोछा भी नहीं जा सकता है, तो इसकी वजह से दिक्कत हो गई है। देख रहे इधर करो तो इधर चपक जाता है, इधर करो तो इधर चपक जाता है। बहरहाल इसमें कागज़ भी इसमें चपका देते हैं। और इसको इस तरह से थोड़ा सा पुश कर देते हैं। अब इसको दोस्तों बहुत आराम से इसको इस तरह से पकड़ के और इसको जितना उधर का छोड़ा है उतना ही इधर का भी करके और इसको अच्छे से चपका देना है। इस प्रकार से चपका देंगे। अब ये थोड़ा सा सूख जाता है दोस्तों, तो जब तक आपको दिखाते हैं कि इसका जो पत्ता था इसके पत्ते को ही जो है हम पत्ते और इसको जो है दोस्तों हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो है रोजी लगा देते हैं जिसमें फिरोजी जो है वो खूबसूरत ही है। यहाँ पर हम एक तो जो फिरोजी लगा देते हैं काट के इस तरह से काट दिए है और इसको जो है नीचे की तरफ ऐसे ही रहने देते हैं और ऊपर की तरफ भी जो है इस तरह से ये ऐसे करके और थोड़ा सा और ठंडा कर देते हैं। इसको लगा देते हैं और इसमें चमक देख देते हैं, तो ये जो ग्लू है इसी को जो है थोड़ा सा इस पर यूज़ करके देखते हैं आता है कि नहीं, कुछ तो आ ही जाएगा। इस तरह से इसमें लगाना पड़ेगा, इसके बिना लगाए ग्लू जो है नहीं है। कोशिश करेंगे दोस्तों लेई बनाने के लिए, इसलिए रोज़ काम रहता है, तो लेई को भी ट्राई करते हैं कि लेई आखिर कैसी होती है। और इसको दोस्तों क्या करेंगे कि इसको जो है जहाँ तक पत्ता आएगा पत्ते से के यहाँ से ऐसे करके पीछे भी उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इस तरह से पहले हाथ से कर देते हैं और
फिर इसी कपड़े से इस प्रकार से लगा देते हैं। जब तक ये सूख रहा है दोस्तों, जब तक ये सूख रहा है उसको सूखने देते हैं।